तो आज के इस वीडियो में हम क्लिनिकल सैस रोल के सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे कि इस रोल पे जिन भी लोगों के सिलेक्शन होते हैं या सैस सॉफ्टवेयर पे जिनके भी सिलेक्शन होते हैं उनके सिलेक्शन कैसे होते हैं और कुछ लोगों को क्यों इंटरव्यूज भी नहीं मिल रहे और सिलेक्शन भी क्यों नहीं हो रहे, उसके कुछ मेजर फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो लेट सपोज किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से 20 लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब 20 में से ऐसा आपने देखा होगा 3 या 5 या 10 लोगों का सिलेक्शन हो जाता है स्टार्टिंग में, बाकी लोगों का कुछ पता ही नहीं होता, या तो उनका सिलेक्शन होता ही नहीं है या तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। अब ऐसा क्यों होता है ये मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद क्लिनिकल सैस इस रोल के लिए ट्रेनिंग दे रहा हूँ लास्ट 2 या 3 ईयर्स से। तो मैंने काफी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और मैंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की हैं, ठीक है। ये अगर चीजें आप खुद पे इम्प्लीमेंट करो या इन चीजों को समझ लो तो शायद आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि देखो, लेट सपोज एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से 20 लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब 20 लोगों में से मैंने अक्सर ऑब्जर्व किया है, ठीक है, ये एक सैंपल हम ले रहे थे 20 लोगों का। तो समझो 20 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि अपनी पढ़ाई के बाद क्लिनिकल सैस सीखेंगे, तो उन्होंने सीधा ही किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को अप्रोच किया, ठीक है। अब मान लो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अच्छी है, बुरी है, सपोर्टिव है या नॉन सपोर्टिव है, किसी भी सिनेरियो में एग्जाम्पल मैं जो बता रहा हूँ वो फिट बैठेगा। तो जो 20 लोग हैं ना, उसमें से मैंने नोटिस किया है कि जो 10 लोग होते हैं ना, या 10 या 15 या 5, वो एकदम कंसिस्टेंट होते हैं, ओके। अपने काम में जो सीख रहे होते हैं वो डेली सीखते हैं, डाउट पूछते हैं, ओके, उसे डेली प्रैक्टिस करते हैं और एक्टिवली सेशन अटेंड करते हैं, ओके, सेशंस को कभी मिस नहीं करते, जो काम मिलता है उन्हें कभी मिस नहीं करते। अब नो डाउट इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, कभी कोई फंक्शन आ रहा है, कोई इवेंट हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गई, ओके, अगर उस वजह से उनकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है तो दैट इज़ फाइन। बट फिर भी वो जब भी अगर नॉर्मल मोड में है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दे आर कंसिस्टेंटली अटेंडिंग द सेशन, डूइंग द थिंग्स ऑन टाइम, तो ऐसे लोगों का मैंने अक्सर देखा है, ओके, सिलेक्शन पहले ही हो जाता है। ये टू बी ट्रू मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं खुद एक ट्रेनर हूँ तो आप मेरी बातों को समझ सकते हो टोटली मैं क्या सोच के बोल रहा हूँ। तो जो भी कंसिस्टेंट होता है ना, जो भी रेगुलर करता है ना, उसका सिलेक्शन पहले हो जाता है। अब क्या सिर्फ ये अकेला ही एक फैक्टर है? तो दोस्तों अकेला ही एक फैक्टर नहीं है, और भी फैक्टर है। अब मान लो 20 में से 10 लोग कंसिस्टेंट है, ठीक है, क्या 10ों का सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं दोस्तों, 10ों का सिलेक्शन एट अ टाइम नहीं होगा। लेकिन क्या होता है, उन 10 में से लेट सपोज 5 लोग बहुत जल्दी, मतलब अगर कोई भी उन्हें नेगेटिव फीडबैक मिला या कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हुई, तो बहुत जल्दी उनका अप्रोच या कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो समझो 5 लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा भी नेगेटिव फीडबैक मिला या कोई भी प्रॉब्लम आई अपने सीखने की जर्नी में या जॉब अप्लाई करने की जर्नी में, या किसी ने नेगेटिव कमेंट दिया कि नहीं हम हायर नहीं करते, ये होना चाहिए, ये डिग्री होनी चाहिए, ये होना चाहिए, तो ऐसा कुछ आपको बोला, आपको पता नहीं चला और आप थोड़ा नेगेटिव हो गए, इन्होंने तो मुझे ऐसा बोला। या तो तीसरा चीज़ ये भी होता है कि आपने अप्लाई किया अच्छा खासा, आपको इंटरव्यूज नहीं मिले, तो स्टार्टिंग में तो आप मोटिवेटेड थे सीखने के टाइम पे, आपने इंटरव्यूज के लिए अप्लाई किया, कुछ टाइम आपको इंटरव्यू नहीं मिले, आप डीमोटिवेट हो गए, आप किसी और चीज़ पे फोकस करने लगे, आपका फ्लो यहाँ से टूट गया। फिर जो उसके बाद क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कंसिस्टेंटली सीखते भी हैं, उसके बाद जो अप्लाइंग पार्ट होता है उस पर भी रेगुलरिटी उनकी कायम रहती है, उसी तरीके से करते हैं, बट अगेन मैंने देखा है वहाँ पे भी एक लेवल के बाद मैंने देखा है कुछ लोग उसके बाद थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि लेट सपोज कि आपने सीखते वक्त फुल्ली मोटिवेटेड थे, आपने अच्छे से सीखा, उसके बाद अप्लाइंग के वक्त भी अगर आपके ट्रेनर ने आपको गाइड किया हो, सब बताया, तो आपने अच्छे से किया। यहाँ पे एक फेस ट्रेनर का भी होता है, एक कॉन्ट्रीब्यूशन ट्रेनर का भी होता है। मेरा ऐसा मानना है जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ना, उनको आपको जो चीज़ें हैं वैसे बता देनी चाहिए कि भाई आपको ट्रेनिंग में इतना टाइम लगेगा, जॉब लगने में इतना टाइम लगेगा। जैसे मैं बोलता हूँ ट्रेनिंग में 4 मंथ्स लगने वाले हैं, अनदर 4 या 5 मंथ्स आपको जॉब ढूंढने या इंटरव्यू क्रैक करने में लगने वाले हैं, यानी टोटल 8 to 9 मंथ्स आपको लग सकते हैं। अब ये चीज़ ट्रेनर को बता देनी चाहिए, नहीं तो स्टूडेंट क्या होता है 3 या 4 मंथ्स में ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट को ऐसा लगता है अब तो मुझे इंटरव्यू मिल जाएंगे, मैं सीधा सिलेक्शन हो जाएगा। अब स्टूडेंट का ऐसा नहीं होता सिलेक्शन, तो डीमोटिवेट हो जाता है, डिस्करेज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। तो दोस्तों हाँ, लेकिन देखो अगर आप कंसिस्टेंटली लर्निंग में रखते हो, उसके बाद आप अप्लाइंग में भी कंसिस्टेंट रहते हो, उसके बाद अगर नेगेटिव फीडबैक्स मिले आपको कुछ, या आपने अप्लाई किया आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, उसके बाद भी अपने आप को अगर आप उस फेज पे बनाए रखते हो ना, तो मैंने देखा है अक्सर ऐसे लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। और ओवरऑल में मैंने एक देखा है पॉजिटिव अप्रोच, मैंने देखा है बहुत लोग का अप्रोच करने का तरीका गलत होता है ड्यूरिंग द लर्निंग एज वेल, ड्यूरिंग द अप्लाइंग एज वेल, ठीक है। अपना अप्रोच सही रखना बहुत ज़रूरी है और पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। एक होता है कि हमको आदत होती है कि बात बात पे डाउट करना या क्वेश्चन करना। देखो दोस्तों लाइफ में, रियल लाइफ में मैंने अक्सर नोटिस किया एक पैटर्न, हमें बार बार पे क्वेश्चन, सेल्फ डाउट होने लगता है, राइट। ये आपको ही नहीं, ये मुझे भी होता था एक टाइम पे, ओके, दैट इज़ ट्रू, सेल्फ डाउट बोलते हैं उसको,
या क्वेश्चन होना, काफी सवाल होना। मेरा ऐसा मानना है कि चाहे वो आपको सेशन में क्वेश्चन हो या रियल लाइफ में क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन को आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए। लेट सपोज अगर आप सेशन अटेंड कर रहे हो, तो सेशन में आज जो आपने सीखा ना, पहले उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। जो आपको डाउट्स है वो अगले दिन पूछो। क्यों ऐसा? क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, आपके डाउट्स एकदम हवा में होते हैं। ओके, वो एकदम जंप कर रहे होते हैं, उसका कनेक्टिविटी बहुत कम होता है। ठीक है, नो डाउट आप सेम टाइम भी पूछ सकते हो, बट सेम टाइम जो डाउट पूछोगे ना, वो ऐसा मान के चलो शायद उसका आंसर मोस्ट प्रॉब्ली जब आप प्रैक्टिस करने वाले थे ना, आपको मिल जाता है। तो इससे आपको क्या सीखने मिलता है? पेशेंस। ठीक है, कि कैसे पेशेंस रखते हैं, कि जब हम सीख रहे होते हैं तो पहले हम उसे अच्छे से सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर हमें पता चलता है अच्छा एक्चुअल सॉल्यूशन ये था या एक्चुअल डाउट ये था, फिर हम पूछते हैं। सेम चीज़ जब आप कनेक्ट करते हो किसी को इंटरव्यू के लिए, तो क्या होता है वहाँ पे भी आपका पेशेंस या ये चीज़ें एग्रेशन शो होता है, अगर पॉजिटिव अप्रोच नहीं होता तो। लेट सपोज आपने किसी को अप्रोच किया, उसने बोला कि ऐसा नहीं होता, तो आपका मतलब अगर आपको हैबिट नहीं ना पहले से पेशेंस रखने की या पॉजिटिव अप्रोच की, सेम अपने ट्रेनिंग टाइम से या अपने पहले जब आपने बचपन से लेकर अभी तक, एक इन्वायरमेंट होता है, एक हमारा नेचर होता है, दैट इज टोटली फाइन। हम सबका डिफरेंट डिफरेंट नेचर है। मैं भी पहले ऐसा थोड़ा एग्रेशन मतलब हो जाता था, कि मतलब कॉलेज में भी थोड़ा सा या ऐसा, बट टाइम के साथ मैंने सीखा। रियल लाइफ में हमें देखो, सबकी लाइफ में या जिसे भी आप कनेक्ट कर रहे हो उनके पास 100 प्रॉब्लम्स या काफी सारी चीजें चल सकती है। अगर आप भी उन्हें एक नेगेटिव अप्रोच करते हो या एक पॉजिटिव अप्रोच नहीं करते, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। अगर आपके बात करने का तरीका, अगर आपके अप्रोच करने का तरीका सही नहीं है, ठीक है, अगर आप कुछ ज्यादा ही डाउट करते हो सेल्फ पे या सामने वाले पे भी, तो तरीका सही नहीं है। तो कभी भी जॉब के लिए या किसी को कनेक्ट करने के लिए उनसे चाह रहे हो कि उनसे मुझे कोई पॉजिटिव फीडबैक मिले, या जॉब के बारे में कुछ जानना है या इस रोल के बारे में कुछ जानना है, तो आपका अप्रोच हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आपको सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए, वो जो भी बोले आपको अच्छे से सुनना चाहिए। अगर कोई आपको इस जर्नी के दौरान कोई नेगेटिव फीडबैक भी दे रहा है, लेट सपोज आपने क्लिनिकल साइंस सीखा है, सीख रहे हो या सीख लिया है और अप्लाई कर रहे हो, क्रैक नहीं हो रहा, तो किसी ने आपको बोला अरे ये छोड़ दे कुछ और करने लग, इसमें नहीं होगा या इंटरव्यू नहीं मिलते, तो दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं सोचना है। अब सोचो कि आपका डिसीजन कोई और व्यक्ति डिसाइड कर रहा है या मार्केट डिसाइड कर रहा है, तो आप क्या अपनी लाइफ में डिसाइड करोगे खुद के लिए? नो डाउट मार्केट हमें बताता है रास्ता, ठीक है, जैसे मार्केट में देखने में पता चला कि आईटी में डिमांड है या क्लिनिकल साइंस का रोल है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, मार्केट को देखने पे ऑब्जर्व करने पे पता चला। बट दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है, डिसीजंस लाइफ के आपको खुद लेने चाहिए। अगर आपके डिसीजन आपके फ्रेंड फैमिली कोई और ले रहा है ना, तो दैट इज अ डिफिकल्ट। नो डाउट अगर आपके फ्रेंड फैमिली या रिलेटिव कोई भी आपको अच्छी चीज़ बता रहा है, तो आप उसे देखो, ऑब्जर्व करो और फिर डिसीजन लो। पर डिसीजन आपका होना चाहिए और वो स्ट्रांग डिसीजन होना चाहिए। तो क्या होता है, अगर आपने स्ट्रांग डिसीजन लिया हो ना, तो इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। मैं एक एग्जाम्पल से बताऊँ, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे पढ़ाया है रेफरेंस के थ्रू। लेट सपोज कि मेरे किसी फ्रेंड हो गए, या मेरे फ्रेंड के ब्रदर या सिस्टर हो गए, या ऐसे कुछ मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया। अब मैंने देखा एक कोहर्ट, तो मैंने समझा ऐसे 5 लोगों को पढ़ाया है ना, समझो 10 लोगों को पढ़ाया, तो उसमें से 5 लोग तो थोड़े मतलब मुझे ऐसा लगा कि 5 लोगों ने, भले उनके भाई ने या बहन ने सजेस्ट किया कि ये चीज़ क्लिनिकल साइंस करो, बट उन्होंने स्ट्रांगली डिसीजन लिया कि मैं सीखूंगा, ऑब्जर्व किया और मुझसे अच्छे सीखा। लेकिन 2-4 लोग ऐसे भी थे कि जिनके भाई या बहन ने सजेस्ट किया था, ठीक है, लेकिन क्योंकि भाई या बहन ने सजेस्ट किया, ठीक है कर लेते हैं, तो स्ट्रांगली नहीं लिया उस चीज़ को, स्ट्रांगली नहीं लिया। क्यों? क्योंकि आपने सोचा ओके मतलब बोला है ना उसने, अच्छा होगा चलो कर लेते हैं, करने के लिए कर लेते हैं। तो अगर आप कोई चीज़ करने के लिए कर रहे हो ना, तो रिजल्ट भी वैसा ही आएगा, मतलब होने को होगा नहीं तो नहीं होगा। तो आप जो भी डिसीजन लेते हो ना, वो स्ट्रांग डिसीजन होना चाहिए, उसमें ऐसे लूजनेस नहीं होनी चाहिए। जब इस चीज़ को आपने डिसाइड किया ना कि मुझे क्लिनिकल साइंस सीखना है, तो आप नहीं तो नहीं, कम से कम इंडिया में जो इसकी फीस वेराई करती है ना, 30,000 से लेकर 2.5 लाख वेराई करती है। तो यानी आप बिटवीन 30,000 टू 2.5 लाख स्पेंड करने वाले हो इस चीज़ को सीखने के लिए। तो आप ध्यान रखना, आप पैसे स्पेंड कर रहे हो, तो क्यों ना आप उस चीज़ को अच्छे से सीखो। देखो सिलेक्शन होना कि ना होना, मैं मानता हूँ कि चलो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कोशिश भी ना करना, नेगेटिव हो जाना, एंड तक पहुंचना भी नहीं, ओके, बीच में किसी और की सुनने लगना, कहीं स्टक होते हो तो फिर ट्राई भी नहीं करना, ठीक है, ये मैं मानता हूँ ये तो आपके हाथ में होता है ना, ठीक है, एंड तक ट्राई करना, अच्छे से ट्राई करना, रेगुलर प्रैक्टिस करना, अगर स्टक होते हो तो अपने ट्रेनर से पूछना, ये तो आपके हाथ में है। सिलेक्शन जो एंड गोल है वो आपके हाथ में नहीं है, बट अगर आपकी जर्नी ही सही नहीं है, तो आपका रिजल्ट, आप अपने मतलब जहाँ पहुँचना है डेस्टिनेशन या डेस्टिनी पे कैसे, डेस्टिनी कैसे मिलेगी आपको, डेस्टिनेशन पे कैसे पहुँचोगे, आपकी जर्नी ही बहुत लूज है, ठीक है, जर्नी के दौरान ही आपने कंसिस्टेंसी नहीं रखी। अब यहाँ पे भी अगेन ट्रेनर का भी कंट्रीब्यूशन आ जाता है, अगर आपके ट्रेनर अच्छे हैं, वो आपको ऑब्जर्व करते हैं, सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, ठीक है। देखो मैं लाइक यहाँ पे एक चीज़ बोलता हूँ, मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जिनको 7 या 6 महीने हो गए
वो अभी मुझे कनेक्ट करते हैं। अब क्या स्टूडेंट को मैंने अच्छे से पढ़ाया नहीं था, जो जिनको 7 या 8 महीने हो गए जो मुझे अभी कॉल कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो दोस्तों उनको भी मैंने अच्छे से ही पढ़ाया था, बट बात ये थी कि वो अपने काम में या जॉब में या उनके लाइफ में मतलब कुछ रीजंस की वजह से वो स्टक हो गए थे। तो ट्रेनिंग तो उन्होंने की, उसके बाद का प्रोसेस उन्होंने किया ही नहीं, अप्लाइंग पार्ट वाला, क्रैकिंग पार्ट वाला, या ट्रेनिंग पार्ट में भी उन्होंने ट्रेनिंग अच्छे से नहीं की, उसकी वजह से क्या हो गया, अल्टीमेटली उनका टाइम बढ़ने वाला है। देखो फेज होते हैं, एक तो लर्निंग फेज हो गया, दूसरा अप्लाइंग फेज और क्रैकिंग फेज। अगर लर्निंग फेज में आप डीले या मतलब बहुत ढीले ढीले काम कर रहे हो, स्लो स्लो काम कर रहे हो, धीरे धीरे सीख रहे हो, तो आपका टाइम लर्निंग फेज में बढ़ेगा। सिमिलरली अप्लाइंग पार्ट में भी आप एक्टिवली अप्लाई नहीं कर रहे हो तो आपका टाइम और बढ़ जाएगा। क्रैकिंग पार्ट में भी आपको एक इंटरव्यू मिला, आप क्रैक नहीं कर पाए, तो दूसरा आपने ट्राई नहीं किया क्रैक करने का, या अपने आप को इम्प्रूव भी नहीं किया। तो जितने फेज में आप खुद को स्लो करोगे या स्टॉपेज लोगे, उतना आपका टाइम बढ़ता जाएगा। और देखो मैं एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ कि मैंने देखो क्या देखा है। जब मैंने 10 लोगों को समझो एक बैच में पढ़ाया, तो उस 10 लोगों में से कुछ लोग मैंने देखा बहुत टैलेंटेड थे, लेट सपोज 3 लोग बहुत टैलेंटेड थे, और कुछ लोगों का टैलेंट मैंने देखा बहुत अच्छा नहीं था, दैट इज ट्रू। उनको छोटी छोटी चीज भी समझ नहीं आती थी, तो मैं छोटी छोटी चीज भी उन्हें जितनी बार पूछते थे मैं समझाता था, ठीक है, ये भी बताता था कि कैसे पूछना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, सारी चीजें। तो क्या वो जो मैंने जो बोला अभी आपको कि 10 लोगों को मैंने एक बैच में पढ़ाया, 3 लोग जो टैलेंटेड थे, क्या उनका सिलेक्शन हो गया? नहीं, मैंने देखा जो 3 लोग टैलेंटेड नहीं थे या 4 लोग, उनका सिलेक्शन हो गया, वो 3 लोग का नहीं हुआ। अब ये कैसे हो गया? वो 3 लोग तो टैलेंटेड थे, उनका सिलेक्शन होना चाहिए। दोस्तों वो जो 3 लोग टैलेंटेड थे ना, उन्होंने अपनी जर्नी कंसिस्टेंटली पूरी नहीं की। एक होता है रोज में, आपके पास कोई स्किल है, अब आपके पास कोई नेचुरल एक स्किल है कि आप पहले से आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, तो आप जरूरी नहीं कि आगे बहुत अच्छा करोगे अपनी लाइफ में, ऐसा जरूरी नहीं होता। रियल लाइफ टोटली डिफरेंट होती है। जब आप कोई चीज सीख रहे हो तो उस प्रोसेस के दौरान जो रेगुलर रहता है, जो उस प्रोसेस को पॉजिटिव अप्रोच में पूरा करता है, उसका सिलेक्शन होता है। मैंने देखा अक्सर किसी का IQ बहुत हाई था, आई डोंट नो मतलब क्या प्रॉब्लम हुआ, बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत डिले हो गया। कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स मैंने देखा है कि मतलब कहीं स्टॉप हो जाना या कहीं ध्यान इधर उधर भटक जाना। और मैंने देखा कि जो कुछ लोग बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं थे, या मान सकते हो टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड से थे, आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, दे गॉट सेलेक्टेड फॉर क्लिनिकल SAS और SAS रोल। अब वो कैसे हो पाया? वो सिविल इंजीनियर के पास, मैंने रिसेंटली वीडियो डाली है एक मनीष करके सिविल इंजीनियर, अब उनके पास क्या टैलेंट था बताओ? सिविल इंजीनियर के पास प्रोग्रामिंग का क्या टैलेंट था? उन्होंने पूरा जीरो से सीखा। मैं आपको ऑन कैमरा बोला हूँ कि इंग्लिश भी अच्छी नहीं थी, नॉर्मल थी बट अच्छी नहीं थी, बट वो बंदे का मैंने अप्रोच देखा पॉजिटिव था। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मनीष का जो अप्रोच था ना वो पॉजिटिव था। पॉजिटिव यानी उन्होंने कभी भी सेल्फ डाउट नहीं रखा। नो डाउट उनको कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो मतलब मुझसे कभी कभार कनेक्ट करते थे, लेकिन मैं वही चीज़ देखता हूँ, जो बंदा अंदर से सही है ना, अंदर से सही है यानी उसने ये डिसाइड कर लिया ना मैं मेहनत पूरी करूंगा और मैं पॉजिटिव। ऐसे बंदों का मैंने देखा है कि अप्रोच भी पॉजिटिव होता है। अप्रोच पॉजिटिव मीन्स हर चीज़ों को ट्राई करते हैं कि पॉजिटिव वे में डील करते हैं। नो डाउट प्रॉब्लम उन्हें भी होती है जो ऐसा करते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ते जाते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते जाते हैं, इम्प्रूव करते जाते हैं और वो फाइनली अचीव कर लेते हैं। अब मैंने देखा वहीं पे बहुत सारे टैलेंटेड लोग भी थे, नहीं कर पाए। क्यों? सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव अप्रोच नहीं है उसमें, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हम में से कुछ लोग होते हैं, जैसे मैंने कुछ स्टूडेंट का देखा कि सर सिलेक्शन हो जाएगा ना या कैसे होगा। नो डाउट गाइस, हम सबको सिलेक्शन ही चाहिए, बट अगर अपना रास्ता ही आप अच्छे से पूरा नहीं कर रहे और पूरे रास्ते आप ये सोच रहे हो कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा? दोस्तों आपने पूरी ताकत ये सोचने पर लगा दी कि मेरा होगा कि नहीं, आपने एक सेल्फ पे डाउट क्रिएट कर दिया कि मेरा होगा कि नहीं, तो कैसे होगा? तो पूरे रास्ते के दौरान आपको कुछ फेजेस होते हैं, जैसे कि लर्निंग फेज, तो पूरा ध्यान लर्निंग पे होना चाहिए, कैसे मैं इम्प्रूव करूँ। दूसरा होता है कि इंटरव्यू प्रिपरेशन का टाइम, ठीक है, जब आपका ट्रेनर आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में बता रहे हैं तो ध्यान से जो सारी चीज़ होती है वो सुनो, समझो, अप्लाई करो, कोई डाउट है तो पूछो। फिर होता है हाउ टू फाइंड जॉब्स, तो हाउ टू फाइंड जॉब्स जो होता है उसमें पूछो अपने ट्रेनर से कि मतलब जैसे मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ मेरे जो ट्रेनिंग के तरीका है उसमें से, पहले हम ट्रेनिंग देते हैं उसमें हाउ टू फाइंड जॉब्स के सेशन होते हैं, हाउ टू क्रैक इंटरव्यूज के सेशन होते हैं, हाउ टू क्रिएट योर CV के सेशन होते हैं, हाउ टू डील इन अ बेटर वे फॉर इंटरव्यूज, ऐसे सेशंस होते हैं, ऐसे कुछ सेशंस होते हैं अलग अलग। तो दोस्तों इन सभी जो सेशंस होते हैं अगर आपके ट्रेनर आपको दे रहा नहीं दे रहा तो लो उनसे पूछो।
देखो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ से भी ट्रेनिंग ले रहे हो ना, तो उनसे सिर्फ ट्रेनिंग मत लो, सॉफ्टवेयर मत सीखो, उनसे ये भी पूछो कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हैं, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन। अब ये चीज़ें जरूरी नहीं कि आप पहले ही पूछो, पहले दिन मत पूछना, पहले दिन तो आपको सीखना होगा, बिना नॉलेज के तो मतलब कुछ काम ही नहीं है इन क्वेश्चन का। पहले अच्छे से सीखो, लास्ट में आपको कन्फर्म करना है अपने ट्रेनर से कि CV कैसे बनानी है, वो उनको बताना चाहिए, ठीक है। जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना चाहिए वो उनको बताना चाहिए, इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है ये आपके ट्रेनर को बताना चाहिए, इंटरव्यू कैसे होते हैं, कितने राउंड्स होते हैं, कैसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन का आंसर करना है, अगर कैसे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो डील करना है, कैसे अपना इंटरव्यू अच्छे से दो, ये सारी चीज़ें आपको अपने ट्रेनर से मिलनी चाहिए। प्लस खत्म होने के बाद भी अपने ट्रेनर से सपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब ये तो हो गया आपको मिलना चाहिए, अब इन सभी के दौरान अगर आप ही ध्यान नहीं दोगे अपने आप पे, कंसिस्टेंटली करोगे नहीं, तो भूल जाओ आपका ट्रेनर आपको सामने से पूछेगा कि बेटा तू कर रहा है कि नहीं, या आर यू डूइंग और नॉट, आर यू डूइंग करेक्टली और नॉट, ओके। भूल जाओ वो चीज़, दैट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बट हाँ, जैसे मेरे एग्जाम्पल से बताओ, तो मैं अगर कोई कंसिस्टेंट नहीं है ना, तो उसको एक दो या तीन बार अप्रोच करता हूँ, एक दो या तीन बार। तीन बार अप्रोच मैंने किया, मुझे पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट का क्या है सीन, ओके। मुझे पता चल जाता है, देखो अगर मुझे एज अ ट्रेनर स्टूडेंट के पीछे भागना पड़ रहा है, पूछना पड़ रहा है, इट मीन्स मतलब समझ लो कि वो स्टूडेंट का होने ही वाला है डीले। डीले यानी उसका सिलेक्शन ऐसा नहीं है कि रुक जाएगा, अब उसको होने वाला डीले डीले। अब वैलिड रीजन है स्टूडेंट का तो डेट इज़ फाइन, ठीक है। क्योंकि अगर आप ही कंसिस्टेंट नहीं हो सीखने में, फिर तो मतलब क्योंकि आपको तो सारा नॉलेज ग्रास्प करना है, सीखना है, तो सिखाने वाला आपको कैसे सिखाएगा अगर आप सीख ही नहीं रहे टाइम पे, ठीक है, अगर आप खुद ही इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं। तो मैं अभी मैंने एक चीज़ की है कि अब ट्रेनिंग के दौरान मैं देखता हूँ ना जो कंसिस्टेंट नहीं है, तो मैं थोड़ा फॉलोअप लेता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, फिर मैं मतलब ऐसा सोचता हूँ कि मैं टाटा बाय बाय सी यू कर दो। अगर वो बंदा कंसिस्टेंट नहीं है कि मतलब वैलिड रीज़न है तो मतलब ठीक है, गैप हो रहा चलेगा, अगर वैलिड रीजन नहीं है, मैं शो हो रहा हूँ, देख रहा हूँ कि वो एक पैटर्न बन रहा है, तो हम फिर डिस्कशन करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मैं बोलता हूँ कि मतलब सीधी बात है कि आप अपने पैसे मत वेस्ट करो, ठीक है, जो अगली फीस मुझे पे करने वाले हो वो फीस पे करने से अच्छा आप यहाँ पे स्टॉप कर दो, क्योंकि आप कंटिन्यूसली सेशंस अटेंड नहीं कर रहे, आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, ठीक है, चीज़ों का। तो क्यों अब मैंने सोचा ऐसा करना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट को भी महसूस होना चाहिए अपने साइड से, अगर वो रेगुलर नहीं हो रहा है विदाउट वैलिड रीज़न, तो मैं ऐसा मानूंगा कि कम से कम उसके पैसे वेस्ट ना हो। सेम चीज़ ट्रेनर को भी, ट्रेनर को भी अपने स्टूडेंट को अप्रोच करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि वो एक्टिव क्यों नहीं है, ठीक है। अगर एक्टिव नहीं है तो आप उससे डिस्कस करो, वैलिड रीज़न है तो ठीक है, उसे बताओ क्या सॉल्यूशन है, कैसे वो ग्राप्स कर सकता है रिमेनिंग चीज़ें। अगर वो मतलब नहीं कंटिन्यूस कर रहा तो आप फीस लेने की जगह वहीं पे चीज़ें स्टॉप करो, उसे भी महसूस होना चाहिए कि मैं बीच नाव में ना रहूँ, या तो उस पार जाना है या तो उस पार रहना है, ठीक है, बीच में ना खड़ा रहो। तो दोस्तों मैं यही चीज़ बोलूँगा, पहली चीज़ सीखते वक्त सिर्फ सीखने पे ध्यान दो, मार्केट पे नहीं। आपका डिसीजन मार्केट नहीं डिसाइड करने वाला, आपको मार्केट नहीं, आपको लोग ऊपर नहीं ले जाने वाले, आपको सिर्फ आप ही ऊपर ले जाओगे, आप बड़े खुद से बनोगे, कोई और आपको बड़ा नहीं बनाने वाला, फॉरगेट दैट। तो आप देख रहे हो कि मतलब इतने लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, तो आपने क्या सोचा मार्केट में इतने लोगों का सिलेक्शन हो रहा है तो मेरा भी होगा। सो दोस्तों कभी भी मार्केट को डिसाइड ना करने दो कि आपका सिलेक्शन क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, आप खुद डिसाइड करो, अपनी प्रिपरेशन खुद अच्छे से करो, जहाँ पे भी स्टक हो रहे हो उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालो। अगर लर्निंग में डिफिकल्टी आ रही है तो लर्निंग के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको दूर करो पहले, अप्लाइंग पार्ट में डिफिकल्टी आ रही है तो उसको दूर करो, जानो, गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर ट्रेनर और फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द पीपल, ओके। एंड जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसमें से पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ही लेनी है, उसमें जब भी इन्फॉर्मेशन लेने जाओगे तो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। देखो कभी भी लाइफ एक स्ट्रेट डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं चलती। सिमिलरली जब भी कोई आप काम करोगे तो वो स्ट्रेट डायरेक्शन में सब कुछ आपको अच्छा अच्छा नहीं मिलेगा, उसमें कुछ बुरा भी मिलेगा, कुछ खराब चीजें भी जानने और सुनने मिलेंगी, तो वो आपको इग्नोर करनी है, क्योंकि आपने डिसाइड क्या किया है, आप उस चीज को पाना चाहते हो, ओके। आप जो जॉब रोल की प्रिपरेशन कर रहे हो, यू वांट टू क्रैक इट, यू डोंट नीड लाइक कि आप डीमोटिवेट हो जाओ, आप ना करो, आपने आधे रास्ते आ चुके हो, अब आधे रास्ते या उससे ज्यादा आके आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है। अब एट द एंड मैं कुछ सजेशंस दूंगा। देखो अब इस जर्नी के दौरान अगर आपको जैसे 8 महीने लगने वाले, तो अगर आप खाली बैठे हो, आप पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, तो गो एंड गेट अ जॉब, क्योंकि आप इजिली इस चीज़ को अपने जॉब के साथ सीख सकते हो, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनके जॉब के साथ सिखाया है, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, ना ही सीखने में, ना ही अप्लाइंग पार्ट में, ना ही क्रैकिंग पार्ट में। उस वक्त क्या होता है कि आपको कुछ पैसे मिलते रहते हैं, आपकी जॉब चलती रहती है, आपका कैरियर ग्रो होता रहता है, तो आप डीमोटिवेट नहीं होते। अक्सर मैंने प्रॉब्लम किस में देखा है,
अगर आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी होती है, ठीक है, आपने कहीं से भी अरेंज करके फीस तो पे कर दी, लेकिन उसके बाद जब 8-9 महीने बैठना होता है ना, उस वक्त जॉब नहीं मिलती, तो आप हमेशा डीमोटिवेटेड फील करते रहते हो कि अगले महीने मिल जाएगा ना, ये महीने मिल जाएगा ना, तो एक एक दिन और एक एक महीने आपको काटना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है फाइनेंशियल ठीक नहीं है, लाइबिलिटी है, चीज़ें सही नहीं है, तो गो एंड गेट अ जॉब, डोंट सिट आइडली और देखते रहो कि मुझे ये कब मिलेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे तो दोस्तों, मैं हमेशा बता दूं कि अगर कोई चीज़ आप मानते हो ना, अगर सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा ना, तो दिक्कत आपको होने वाली है। पहली चीज़, सेल्फ डाउट आपको निकाल देना पड़ेगा। ज़्यादा क्या होगा, टाइम लगेगा। मेरा ऐसा मानना है कि आप ऐसा बोलते हो कि मार्केट में वैकेंसी नहीं, मार्केट में रुक रुक के हमेशा वैकेंसी आती है। ऐसा नहीं कि पूरी ज़िंदगी की वैकेंसी अभी आने वाली है और अभी चली गई। मार्केट में हर 2-3 महीने में, वर्स्ट टू वर्स्ट केस में, क्योंकि कंपनीज को रन करना है, हर बंदा प्रमोट हो रहा है 1-2 साल में, तो पीछे का काम कौन करेगा? अगर आगे का काम भी जो प्रमोट हो रहा है वही करेगा, तो पीछे का काम भी वही करेगा, तो काम कैसे चलेगा? जब भी प्रमोट आप होते हो तो आपके करंट रोल की तो चीज़ें होती हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ जाती है, लेकिन जो फ्रेशर के काम होते हैं मोस्टली फ्रेशर ही करेंगे। अगर मैनेजर भी वही काम कर रहा है, सीनियर भी वही काम कर रहा है, जूनियर भी वही काम कर रहा है, कैसे चलेगा? जूनियर का काम जूनियर करते हैं, फ्रेशर का काम फ्रेशर करते हैं, सीनियर का काम सीनियर करते हैं, और मैनेजर का काम मैनेजर करते हैं, डायरेक्टर का काम डायरेक्टर करते हैं। नॉट 1 पर्सन और 2 पर्सन कैन लाइक हैंडल ऑल द थिंग्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। इससे क्या सीखने मिला? हायरिंग तो उन्हें करनी है, अगर वो साइकिल एग्जिस्टिंग जो स्टडीज़ हैं क्लिनिकल में वो भी रन करने हैं, तो हायरिंग होगी ही, सिलेक्शन भी होंगे। इसलिए आप मार्केट में देखते रहते हो हमेशा 2-4-5-6 लोगों का, मतलब वर्स्ट टू वर्स्ट केस में भी आप देखोगे कि कहीं ना कहीं सारे लोगों का नहीं, तो आपको 5-10 लोग मिल ही जाएंगे जिनका सिलेक्शन हो रहा होता है। अब उनका भी तो सिलेक्शन हो रहा है। ये जो जर्नी मैंने बताई, आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है, खुद पे सेल्फ बिलीव रखना पड़ता है, सेल्फ डाउट को हटा के, ठीक है, जहाँ प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को दूर करो। अब मेरी प्रॉब्लम कुछ और है, मुझे समझ में नहीं आ रहा सेस या वो कोड, और मैं सोच रहा हूँ कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, इन दोनों का क्या रिलेशन है? अरे, आपकी प्रॉब्लम अभी कोड नहीं आ रहा था, आप उसे दूर करो। अब मेरी प्रॉब्लम, मुझे इंटरव्यू नहीं मिल रहा है, अब आप सोच रहे हो सिलेक्शन होगा कि नहीं। अरे, मेरी प्रॉब्लम अभी ये है कि मुझे इंटरव्यू नहीं मिल रहा, तो आप उसे दूर करोगे। अब सपोज मेरी प्रॉब्लम है कि मुझसे इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहे, तो आप फिर सोच रहे हो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। अरे, मेरी प्रॉब्लम अगेन क्या है कि मेरा इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा, तो वेयर आई कैन इम्प्रूव इन द टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पार्ट? तो फोकस ऑन योर प्रॉब्लम। हाथ में चोट लगी है तो उसे ठीक करो, अपने फ्यूचर के बारे में मत सोचो। पैर में चोट लगी है तो उसे ठीक करो, ओके, गिव द रिक्वायर्ड मेडिसिन और क्योर करो उसे। जहाँ चोट लगी है, जहाँ प्रॉब्लम हो रही है, पहले उसे क्योर करो। डोंट फोकस कि मेरी लाइफ में क्या होगा, ये चीज़ें क्या होगी, ओके, सिमिलरली दिस थिंग्स वर्क। तो होप ये वीडियो में कुछ ना कुछ चीज़ें आपको हेल्पफुल ज़रूर मिला हो। एंड ये वीडियो में आपको ऐसा बीच में ऐसा लगेगा कि एक ब्रेक हो गया, क्या हुआ था कि कैमरा की जो मैं कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, तो बैटरी जो होती है वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी, तो फिर मैंने वापस से अभी 6 मिनट पहले रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है। तो होप मैंने फ्लो को अच्छे से कंटिन्यू किया, जो भी मेरे दिमाग में चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई। अगेन, ये सारी चीज़ें मैंने सोच के नहीं बोली है, जो ऑब्जर्व किया है मैंने, जो महसूस किया है इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद, इतने सिलेक्शंस देखने के बाद, ओके, वही चीज़ें मैं आपको वीडियोस में बता रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। बी मोटिवेटेड। इस दुनिया में जो भी चीज़ है, आप तो सिर्फ जॉब ढूंढ रहे हो, इस दुनिया में जो भी चीज़ है वो सभी आपके लिए ही है, वो किसी और के लिए नहीं है। बट आप में वो हिम्मत होनी चाहिए वो चीज़ को पाने के लिए, ठीक है। अगर आप डीमोटिवेट हो जाते हो, सेल्फ डाउट करते हो, तो ये चीज़ों से आपको कॉप अप करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ टू मेक यू बेटर। एंड अगेन, कोई आपको ट्रबल क्रिएट करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है जानबूझ के, आपको नेचुरल प्रॉब्लम आती है। हर प्रॉब्लम आपको इसलिए आती है क्योंकि आप बेटर हो लाइफ में। जब तक प्रॉब्लम नहीं होगी, तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे? तो जब जब आपको प्रॉब्लम आती है, यू मूव फॉरवर्ड। जब जब आप गिरते हो, यू बाउंस बैक, और उतनी जोरों से आगे बढ़ते हो। एंड दैट्स व्हाट लाइफ इज। सो थैंक यू एवरीवन, एंड बाय बाय एवरीवन।